नमस्कार, बोल क्लब आजाद है तेरे। मैं अभिसार शर्मा। याद है आपको, योगी सरकार ने दावा किया था कि योगी सरकार को बदनाम करने की हाथरस के मुद्दे पर एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची जा रही है। 100 करोड़ रुपए दे भी दिए गए हैं। कल ये मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने था। इनके मुंह से उस अंतर्राष्ट्रीय साजिश को लेकर एक शब्द नहीं निकला। वो बात भूल जाइए, वो तो एक छोटा सा मुद्दा है। कल हाथरस की पीड़िता के साथ बलात्कार हुआ या नहीं हुआ, रातों रात उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया मां बाप की इजाजत के बगैर, उस बात को लेकर इनकी बोलती बंद हो गई। दोस्तों, आज बोल के लब आजाद है तेरे में न सिर्फ हम तथ्य आपके सामने इस मुद्दे को लेकर रखने जा रहे हैं, बल्कि उसका एनालिसिस भी मैं त्वरित आपके सामने पेश करूंगा। सबसे पहले मैं आपको यह बतलाना चाहूंगा कि इस मुद्दे को लेकर किस तरह से हकीकत का पर्दाफाश हुआ। जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल क्लब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। बोल क्लब आजाद है तेरे, बोल सभा अब तक तेरी है। जी हां, हाईकोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताई है। इस मामले की सुनवाई अब 2 नवंबर को होगी। पीड़िता के परिजनों ने कोर्ट में कहा कि अंतिम संस्कार उनकी सहमति के बिना रात के समय कर दिया गया। परिजनों ने यह भी कहा कि अंतिम संस्कार में हमें शामिल तक नहीं किया गया। परिजनों ने आगे जांच में फंसाए जाने की आशंका जतलाई है और साथ ही सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई है। यह इस देश की हकीकत है, जब सरकार के पक्ष में कोई चीज नहीं होती तो वो पीड़ितों तक को नहीं बख्शते, और यही चिंता पीड़िता के परिवार ने जतलाई है। मगर आपको याद होगा, प्रशासन ने एक नहीं दो झूठ बोले थे उस वक्त। पहला झूठ उन्होंने, आपको याद होगा, ये कहा था, एक वीडियो इन्होंने अपने पसंदीदा चैनल्स के जरिए प्रोपगेट किया था कि अंतिम संस्कार में परिवार वालों की रजामंदी थी। अब मां बाप अदालत के अंदर खड़े होकर कह रहे हैं कि हमारी मर्जी के बगैर ऐसा हुआ। और जानते हैं इसमें पर्दाफाश किसका हुआ है? इस शख्स का, जो कि डीएम हाथरस हैं। और इन्होंने कल फिर झूठ पर झूठ कहा। कल फिर पर्दाफाश हुए जिला अधिकारी। जी हां, जिला अधिकारी डीएम ने कहा कि वहां काफी लोग जमा थे, कानून व्यवस्था बिगड़ने की वजह से अंतिम संस्कार का फैसला लिया। डीएम के बयान के दौरान पीड़िता के परिजनों ने टोकते हुए सवाल किया कि वहां भारी तादाद में पुलिस बल मौजूद थे तो कानून व्यवस्था कैसे खराब होती। ये करारा तमाचा है दोस्तों, पीड़िता की तरफ से, पीड़िता के परिवार की तरफ से, कि तुम तो बड़ी बड़ी बातें करते हो, वहां पूरी पुलिस मौजूद थी। ये वीडियोस देखो, यहां पर बाकायदा पत्रकार तनुश्री पांडे को रोका गया, पत्रकारों को रोका गया। पत्रकार जब सवाल पूछ रहे थे कि किसकी अर्थी जलाएंगे, किसका अंतिम संस्कार किया जा रहा है, तो ये तक बोलने को पुलिस राजी नहीं थी। यानी कि तुम्हारी सारी जो हिम्मत है, सारी धौंस जो है, वो चलती है पत्रकारों पर, विपक्ष के नेताओं पर। मुझे बताओ ना, जब तक तुम नहीं चाहते थे विपक्ष पीड़िता के परिवार से मिल नहीं सका, तुमने उन्हें तक रोका। वो ढेरों तस्वीरें इन वीडियोस को देखिए, राहुल गांधी को रोका गया, संजय सिंह जो वहां जा रहे थे उनको रोका गया। जब तक ये नहीं मिल सके, जब तक आपकी इजाजत नहीं थी। और यही नहीं, दबंग वहां बैठ के चंद्रशेखर, दलित नेता चंद्रशेखर को चुनौती दे रहे थे कि भाई तू आ हमारे पास, आ तेरे को हम बतलाते हैं। बदतमीजी कर रहे थे, और उनके पीछे खड़ी थी पुलिस। ये वीडियो याद है आपको, जो आप देख रहे हैं इस वक्त आपके स्क्रीन पर, खुलेआम ये दबंग धमकी दे रहे थे वहां पर। इन्हीं माहौल में मेरी वो हाथरस की गुड़िया जी रही थी। पुलिस जब ये कहती है कि कानून व्यवस्था बिगड़ जाती है, तो तुमने जो दबंगई दिखाई, तुमने जो ताकत दिखाई विपक्ष के नेताओं पर, या तुमने जो पूरी तरह से पक्षपात दिखाया, एक समुदाय के लोग खुलेआम धमकी दे रहे थे और 144 की अनदेखी करते हुए इस तरह की सभाएं कर रहे थे जो उस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, तब कानून या पुलिस का धौंस की धौंस कहां गई, बताइए। बात यहां नहीं रुकी दोस्तों, कल लॉ एंड ऑर्डर एडीजी बुरी तरह से एक्सपोज हुए अदालत में, कटघरे में थे वो पूरी तरह से। पीड़ित परिवार ने सबसे ज्यादा जोर इस बात पर दिया कि उनकी अनुमति के बगैर पीड़िता का अंतिम संस्कार कैसे कर दिया गया। इस पर कोर्ट ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, ये सुनिएगा बहुत जरूरी है,
इस पर कोर्ट ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से पूछा कि अगर आपकी बेटी होती तो क्या आप बिना देखे अंतिम संस्कार कर देते। आगे उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई अमीर घर की लड़की होती तो क्या आप इस तरह से देर रात अंतिम संस्कार कर देते। जानते उसका क्या जवाब था? पूरी तरह से खामोशी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से खामोश थे। और ये वो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं दोस्तों जिन्होंने इस मामले में बहुत ही शर्मनाक किरदार निभाया है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, उनका ये बयान सुनवाना चाहता हूं 20 सेकंड का। यहां पर ये कह रहे थे कि चूंकि पीड़िता के शरीर पर वीर्य सीमन नहीं मिला, शुक्राणु नहीं मिला, इसलिए बलात्कार हुआ ही नहीं। पहले सुनिए। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट भी अब प्राप्त हो गई है जिसमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो सैंपल एकत्रित किए गए थे उसमें किसी तरह का स्पर्म और शुक्राणु नहीं पाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि कुछ लोगों के द्वारा प्रदेश में गलत तरीके से जातीय तनाव पैदा करने के लिए इस तरह की चीजें कराई गई। क्या आप जानते हैं कि हाईकोर्ट ने कल उनसे क्या पूछा? हाईकोर्ट ने एक सरल सा सवाल पूछा कि आप ये कैसे कह सकते हैं बलात्कार नहीं हुआ। तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से खामोश थे, कोई जवाब नहीं था। और मैं आपको बताता हूं जवाब क्यों नहीं था दोस्तों, क्योंकि अगर वो कुछ कहते तो वो जानते हैं कि हमने न्यूज क्लिक पर उन्हें एक्सपोज किया था यह कहते हुए कि उनका यह बयान सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के खिलाफ है। डाइंग डिक्लेरेशन था हाथरस की गुड़िया का, मरते समय उनका बयान था कि मेरे साथ बलात्कार हुआ। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान है। इन दोनों की अनदेखी की गई। और आज एक बार फिर मैं आपको बतलाने वाला हूं कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का जो दिशा निर्देश है वो क्या कहता है। आपके स्क्रीन पर सुप्रीम कोर्ट ने परमिंदर उर्फ लड़का पोला बनाम दिल्ली राज्य 2014 दो SCC 592 हाई कोर्ट के एक फैसले की पुष्टि की है जिसमें कहा गया था कि बलात्कार को साबित करने के लिए वीर यानी सीमन यानी शुक्राणु की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। आगे सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या कहता है? इस प्रकार बलात्कार के अपराध का गठन करने के लिए यह आवश्यक नहीं कि लिंग के पूर्ण प्रवेश के साथ हाइमेन का टूटना और वीर के उत्सर्जन होना चाहिए। लेबिया मेजर, वॉल्व या पुडेंडा के भीतर लिंग का आंशिक प्रवेश, वो भी वीर के उत्सर्जन के बिना या साथ या प्रवेश का प्रयास ही कानून के उद्देश्य के लिए पर्याप्त है। यानी कि लिंग का प्रवेश ही काफी है, जरूरी नहीं कि शुक्राणु निकले। इसलिए कल पूरी तरह से खामोश थे माननीय प्रशांत कुमार। इस तरह से करारा तमाचा कल उन्हें मारा गया। और सबसे जो दुखद बात थी कि यह कहा गया था 100 करोड़ की साजिश रची जा रही होगी सरकार के खिलाफ। कल इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मुद्दे को लेकर इन्हें कुछ तो कहना चाहिए था, पूरी तरह से खामोश। एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकला, एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकला दोस्तों। मगर मैं वाकई निःशब्द हूं दोस्तों। आजाद भारत के इतिहास में हमने यह तो देखा है कि बलात्कार की पीड़िता की के साथ जो अपराध हुआ है उसकी जांच में देरी की गई हो, मगर मैंने कभी नहीं देखा प्रशासन, पुलिस, भारतीय जनता पार्टी जैसी पॉलिटिकल पार्टी जिसने निर्भया के मामले में सियासत की थी वो पूरी तरह से आरोपियों के साथ खड़ी है, वो पूरी तरह से पीड़ित के परिवार को दबाने में लगी हुई है। आप बताइए ना, इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात क्या हो सकती है कि पीड़िता का परिवार अदालत के सामने ये कह रहा है कि हम यहां सुरक्षित महसूस नहीं करते। इसका मतलब समझते हैं आप? इससे ज्यादा करारा तमाचा योगी सरकार के मुंह पर क्या हो सकता है कि एक पीड़िता का परिवार खुद को यूपी में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। अब इस मामले की सुनवाई 2 नवंबर को है, मगर मैं उम्मीद करता हूं कि पीड़िता का परिवार सुरक्षित रखा जाएगा। और इसको लेकर आश्वासन दिए यूपी सरकार ने, और मैं उम्मीद करता हूं कि उस आश्वासन के विपरीत कुछ नहीं होगा। देखिए, इतना विश्वास है मुझे योगी सरकार पर, और यह पहली बार नहीं कह रहा हूं। आपको याद होगा
कोरोना जब हुआ था, जब चल रहा था पूरा कोरोना का, जब लॉकडाउन हो रहा था, उस वक्त इसी यूपी पुलिस का जो काम था कितना जिम्मेदारी भरा था। मैंने एक नहीं, दो नहीं, आधा दर्जन बार कम से कम अपने शोज में यूपी पुलिस की तारीफ की थी, जब उन्होंने झूठ का पर्दाफाश किया था, जब उन्होंने भड़काऊ न्यूज चैनल्स का पर्दाफाश किया था, और उस वक्त मैंने इनकी तारीफ की थी। मगर कल जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुआ है ना, आजाद भारत के इतिहास में आपको ऐसी कई कम नजीर मिलेंगी, ऐसी बहुत ही कम मिसालें मिलेंगी जब सरकार को इस तरह से दाएं से बाएं से तमाचे लगे हों। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि पीड़िता के परिवार को उनको आवाज मिल गई है, और यह हो पाया इलाहाबाद हाईकोर्ट की वजह से, जिन्होंने सो मोटो खुद स्वतः इस मामले का संज्ञान लिया और आज पीड़िता का परिवार अदालत में खड़ा है। मगर दोस्तों, बात यहां खत्म नहीं होने वाली है। यह मत सोचिए कि इस मुद्दे पर सियासत नहीं होगी, नहीं, इस पर सियासत होगी। बलात्कार यहां खत्म नहीं होने वाले हैं, क्योंकि हाथरस की गुड़िया की बलात्कार के बाद भी उत्तर प्रदेश में बलात्कार होते रहे, बिहार में बलात्कार होते रहे, राजस्थान में बलात्कार हो रहे हैं। राजस्थान शर्मिंदगी की मिसाल पेश कर रहा है। अशोक गहलोत सरकार कम से कम वो नहीं कर रही है जो योगी सरकार कर रही है कि पीड़िता को ही दबाया जाए, मगर राजस्थान एक शर्मनाक मिसाल पेश कर रहा है। और ये तमाम मिसालें एक सभ्य समाज को, आपके और हमारे जैसे लोगों को आईना दिखा रहा है, क्योंकि जब सभ्य समाज, देश का वोटर अपनी पॉलिटिकल पार्टी को बचाने के लिए हाथरस की गुड़िया के सामने खड़ा दिखाई देता है, उसके खिलाफ खड़ा दिखाई देता है, पुलिस के साथ खड़ा दिखाई देता है, तो इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात कुछ नहीं हो सकती है। एक जमाना था जब निर्भया का मामला हुआ था, तो सबने, चाहे आप जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के समर्थक हो, सबने पुलिस की नाकामी से सवाल किए थे। हालांकि पुलिस ने बाद में बहुत तेजी से इस पर काम किया था, फिर भी हमने उनसे सवाल किए थे। इंडिया गेट पहुंचकर हमने सब कंधे से कंधा जोड़कर उस सरकार से सवाल किया था, और उस सरकार का रवैया बहुत ज्यादा संवेदनहीन नहीं था, क्योंकि निर्भया को तुरंत सिंगापुर भेजा गया था। राहुल गांधी ने निर्भया के परिवार की मदद बाद में लगातार की थी। ये ढेरों मिसालें सामने हैं। मगर आज कठुआ गैंगरेप में, जब 10 साल की भी वो बच्ची की उम्र नहीं थी, वहां पर हमने देखा बीजेपी के दो नेता रैली निकालते हैं आरोपियों के पक्ष में, गुनहगारों के पक्ष में। उस वक्त वो आरोपी थे, बाद में वो गुनहगार हो गए। इन चेहरों को देखिए, कुलदीप सेंगर, स्वामी चिन्मयानंद, साक्षी महाराज जो बाबा राम रहीम के पक्ष में, जो पॉलिटिकल पार्टी लगातार महिला अस्मिता पर सवार होकर, उसके जैसे भावात्मक मुद्दों पर सवार होकर जो है ऐसी हरकतें करती है, तो वाकई शर्मनाक हरकत है। मगर मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि देश की जनता ये देखेगी और सियासत से ऊपर उठकर पीड़िता के पक्ष में दिखाई देगी, और उसके नजरिए से कल जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में लताड़ लगी है योगी सरकार को, वो स्वागत योग्य है। और मुझे उम्मीद है कि सरकारें, चाहे वो राजस्थान की सरकार हो, बिहार की सरकार हो, वो इससे सबक लेंगी। नमस्कार।